दोस्तों, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। तो क्या हालचाल है जनाब, उम्मीद करता हूँ कि सब बड़े ही होंगे। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। दोस्तों, लगभग 1.8 बिलियन अनुयायियों यानी पृथ्वी की 24% आबादी के साथ इस्लाम पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, यमन, नाइजीरिया, अल्बानिया, कजाकिस्तान और मलेशिया में विविध रूप में मुस्लिम 49 देशों में अधिकांश आबादी यहीं पर रहते हैं। ये 1400 साल पुराना धर्म आधुनिक सऊदी अरब में शुरू हुआ था, लेकिन आज केवल 20% मुसलमान अरब में हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के उदय और विस्तार के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें। दोस्तों, इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई। ये अंतिम ईश्वरी किताब की शिक्षा पर स्थापित है। इस्लाम धर्म का अर्थ है, मतलब इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वो है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया, अर्थात इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने लगा। इस्लाम धर्म का आधारभूत सिद्धांत अल्लाह को सर्वशक्तिमान, एकमात्र ईश्वर और जगत का पालक तथा हजरत मोहम्मद को उनका संदेश वाहक या पैगंबर मानना है। यही बात उनके कलमे में दोहराई जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल या पैगंबर है। कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व मुसलमान ये कलमा पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अब हम आपको इस्लाम धर्म के उदय के बारे में बताते हैं। इस्लाम का उदय कब हुआ और इस पर अलग अलग अवधारणाएं भी हैं। कुछ लोग इसे 7वीं सदी में आरंभ हुआ मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कि यह आदिकाल से चल रहा है। एक पक्ष मानता है कि इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब में हुआ। अंतिम नबी मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। 613 ईस्वी के आसपास उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना आरंभ किया तो उनके बहुत से अनुयायी बनते चले गए। इसी को इस्लाम की शुरुआत कहा गया। दूसरे पक्ष के विचारक इसे सही नहीं मानते। वे इस्लाम के मूल ग्रंथ कुरान के आधार पर इसकी शुरुआत देखते हैं। इसके अनुसार इस्लाम आदिकाल से अस्तित्व में है। दोस्तों, कुरान में पहले इंसान आदम का जिक्र है। मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हजरत इब्राहिम के लिए किया गया है जो लगभग 4000 साल पहले एक महान पैगम्बर हुए हैं। कहा जाता है कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक हजारों वर्षों में कई पैगम्बर हुए। इनमें से 26 के नाम कुरान में है। इनके अनुसार हजरत मोहम्मद इस्लाम के प्रवर्तक नहीं थे बल्कि ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए एक पैगंबर थे। वेल दोस्तों, कुछ विद्वानों के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जन्म हिजरी रबीउल अव्वल महीने की 2 तारीख को मनाया जाता है। 570 ईस्वी को शहर मक्का में पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में वो स्थित है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाया जाता है। हुजूर साहब के वालिद का नाम था अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतलिब और वालिदा का नाम आमना था। हुजूर साहब के पिता का इंतकाल उनके जन्म के 2 महीने के बाद ही हो गया। ऐसे में उनका लालन पालन उनके चचा अबू तालिब ने किया। आपके चचा अबू तालिब ने आपका ख्याल उनकी जान से भी ज्यादा रखा। 25 साल की आयु में आपने खदीजा नामक एक विधवा से विवाह किया। आप हुजूर के जन्म के समय अरबवासी अत्यंत पिछड़ी कबीलाई और चरवाहों की जिंदगी बिता रहे थे, अतः आपने उन कबीलों को संगठित करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। 15 वर्ष तक व्यापार में लगे रहने के पश्चात आपने कारोबार छोड़कर चिंतन मनन में वो लीन हो गए। मक्का के समीप हीरा की चोटी पर कई दिन तक चिंतनशील रहने के उपरांत उन्हें फरिश्तों के सरदार जिब्रील का संदेश प्राप्त हुआ। वे जाकर कुरान शरीफ के रूप में प्राप्त ईश्वरीय संदेश का प्रचार करें। उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक कोई इंसान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक कि वो 5 कामों को पूरा ना करे। इन 5ों में ये शामिल है, वो इस बात को माने कि अल्लाह के अलावा कोई अन्य पूज्य नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश वाहक है। दूसरा, नमाज कायम करे। तीसरा, अनिवार्य धर्म दान दे। चौथा, रमजान के महीने के रोजा रखे। 5वां, हज करे यदि वहां तक पहुंचने में वो समर्थ हो तो। दोस्तों, हमें से बहुत से लोगों को हज के बारे में जानकारी होगी लेकिन इसके इतिहास के बारे में शायद कोई नहीं जानता है, तो आज हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। इस्लाम के कुल 5 स्तंभों में से हज 5वां स्तंभ है। सभी स्वस्थ और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों से अपेक्षा होती है कि वो जीवन में एक बार हज पर जरूर जाएं। हज को अतीत के पापों को मिटाने के अवसर के तौर पर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हज के बाद उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए गए हैं और वो अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकता है। ज्यादातर मुसलमानों के मन में जीवन में एक बार हज पर जाने की इच्छा होती है। जो हज का खर्च नहीं उठा पाते उनकी धार्मिक नेता और संगठन आर्थिक मदद करते हैं।
कुछ मुसलमान तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई हज पर जाने के लिए बचाकर रखते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों से ऐसे हाजी भी पहुंचते हैं जो कि हजारों मील की दूरी महीनों पैदल चलकर तय करते हैं और मक्का पहुंचते हैं। दोस्तों, हज के इतिहास की बात करें तो लगभग 4000 साल पहले मक्का का मैदान पूरी तरह से निर्जन था। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि अल्लाह ने पैगंबर अब्राहिम को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को फलिस्तीन से अरब ले आएं, ताकि उनकी पहली पत्नी सारा की ईर्ष्या से उनको बचाया जा सके। मुसलमानों का ये भी मानना है कि अल्लाह ने पैगंबर अब्राहिम से उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा। उन्हें खाने की कुछ चीजें और थोड़ा सा पानी दिया गया। कुछ ही दिनों में यह सामान खत्म हो गया, जिसके कारण हाजरा और इस्माइल भूख और प्यास से बेहाल हो गए। मुसलमानों का मानना है कि मायूस हाजरा मक्का में स्थित सफा और मरवा की पहाड़ियों से मदद की चाहत में नीचे उतरी। भूख और थकान से टूट चुकी हाजरा गिर गईं और उन्होंने संकट से मुक्ति के लिए अल्लाह से गुहार लगाई। मुसलमानों का विश्वास है कि इस्माइल ने जमीन पर पैर पटका तो धरती के भीतर से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा और दोनों की जान बच गई। हाजरा ने पानी को सुरक्षित किया और खाने के सामान के बदले पानी का व्यापार भी शुरू कर दिया। इसी पानी को आबे जमजम यानी जमजम कुआं का पानी कहा जाता है। मुसलमान इसे सबसे पवित्र पानी मानते हैं और हज के बाद सारे हाजी कोशिश करते हैं कि वो इस पवित्र पानी को लेकर अपने घर लौटें। जब पैगंबर अब्राहिम फलिस्तीन से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार एक अच्छा जीवन जी रहा है और वो पूरी तरह से हैरान रह गए। मुसलमान मानते हैं कि इसी दौरान पैगंबर अब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने को कहा। अब्राहिम और इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा घनाकार इमारत निर्माण किया, इसी को काबा कहते हैं। अल्लाह के प्रति अपने भरोसे को मजबूत करने को हर साल यहाँ मुसलमान आते हैं। सदियों बाद मक्का एक फलता फूलता शहर बन गया और इसकी एकमात्र वजह पानी के मुकम्मल स्रोत का मिलना था। दोस्तों, धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वर की पूजा शुरू कर दी। पैगंबर अब्राहिम के जरिए बनाए गए इस पवित्र इमारत में मूर्तियां रखी जाने लगी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहां केवल अल्लाह की इबादत होने दें। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर अब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। वेल, दोस्तों, अब हम आपको इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक जिसका नाम है कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहि सलाम के मार्फत पवित्र संदेश सुनाया। उस संदेश को ही कुरान में संग्रहित किया गया है। कुरान शरीफ 22 साल 5 महीने और 14 दिन के अरसे में जरूरत के मुताबिक किश्तों में नाजिल हुआ। कुरान शरीफ में 30 पारे, 114 सूरतें और 540 रुकू हैं। कुरान शरीफ की कुल आयत की तादाद 6666 है। कुरान को नाजिल हुए लगभग 1400 साल हो गए, लेकिन इस संदेश में जरा भी रद्दोबदल नहीं हुआ है। दोस्तों, इस्लाम के अनुसार ईश्वर ने धरती पर मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाया। ये दूत भी मनुष्य जाति में से ही होते थे और ईश्वर की ओर लोगों को बुलाते थे। ईश्वर इन दूतों से विभिन्न रूपों में संपर्क करता था। इनको इस्लाम में नबी कहते हैं। जिन नबियों को ईश्वर ने स्वयं शास्त्र या धर्म पुस्तकें प्रदान की, उन्हें रसूल कहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कड़ी का भाग थे। उनको जो धार्मिक पुस्तक प्रदान की गई, उसका नाम कुरान है। कुरान में अल्लाह के 25 अन्य नबियों का भी वर्णन है। स्वयं कुरान के अनुसार ईश्वर ने इन नबियों के अलावा धरती पर और भी कई नबी भेजे हैं, जिसका वर्णन कुरान में नहीं है। लगभग संसार में 1,24,000 कमोबेश नबी भेजे गए हैं। सभी मुसलमान ईश्वर द्वारा भेजे गए सभी नबियों की वैधता स्वीकार करते हैं और मुसलमान मोहम्मद को ईश्वर का अंतिम नबी मानते हैं। दोस्तों, इस्लाम में दो मुख्य संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा और दामाद अली के बेटों हसन और हुसैन को पैगंबर का उत्तराधिकारी मानने वाले मुसलमान शिया कहलाते हैं। दूसरी ओर सुन्नी संप्रदाय ऐसा मानने से इनकार करता है। मिलने जुलने आने जाने में सलाम का रिवाज है। सलाम करने वाला अस्सलाम वालेकुम कहता है, जिसका अर्थ है तुम पर खुदा की तरफ से सलामती हो। इसका जवाब है वालेकुम अस्सलाम, अर्थात तुम पर भी सलामती हो। वेल, दोस्तों, अब हम आपको भारत में इस्लाम के विस्तार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 712 ईस्वी में भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। मोहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में अरब के मुसलमानों ने सिंध पर हमला कर दिया और वहां के ब्राह्मण राजा दाहिर को हरा दिया। इस तरह भारत की भूमि पर पहली बार इस्लाम के पैर जम गए और बाद की शताब्दियों के हिंदू राजा उसे फिर हटा नहीं सके। इस्लाम को शुरुआत से ही सबका विरोध सहना पड़ा। उसने निर्भीकतापूर्ण जब दूसरों के मिथ्या विश्वासों को खंडन किया तो सभी ने भरसक इस्लाम को उखाड़ फेंकने का यत्न किया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। देखने के लिए शुक्रिया।